भारतीय महिला खिलाड़ी को लड़की से हुआ प्यार, समलैंगिकता के कारण अब जीना हुआ दुश्वार। रोते हुए खिलाड़ी ने कहा कि जीना हो गया बेकार। जी हाँ, ये समलैंगिक प्यार की कहानी रूस की एक महिला खिलाड़ी की, जिसे एक दूसरी महिला खिलाड़ी से प्यार हो गया। महिला खिलाड़ी ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि वो समलैंगिक रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद जो उस खिलाड़ी के मन में डर है वो उसे परेशान कर रहा है। दरअसल ये खबर रूस की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली महिला टेनिस स्टार डारिया कसाटकीना की। डारिया ने हाल ही में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो लेस्बियन है और वो महिला फिगर स्केटर नतालिया जाबियाको के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन इस खुलासे के बाद से वो परेशान है। अपनी परेशानी को बताते हुए वो भावुक हो गई और कहा कि उन्हें नहीं पता कि रशिया उन्हें अपने घर लौटने देगा या नहीं। डारिया कसाटकीना ने एक रूसी ब्लॉगर को बताया कि वो एक महिला फिगर स्केटर नतालिया के साथ रिश्ते में। डारिया ने इंटरव्यू के बाद अपनी और अपनी महिला दोस्त की एक साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद डारिया ने रूस की स्थिति के खिलाफ बात करते हुए कहा कि वो अपने देश में अपनी प्रेमिका के साथ कभी हाथ नहीं पकड़ पाएंगी, यहाँ ऐसा संभव नहीं। उन्होंने कहा कि किसी के समलैंगिक होने या बनने की ये धारणा हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में स्ट्रेट होने से आसान कुछ भी नहीं। अगर मेरे लिए आसान होता तो समलैंगिक होने का चयन मैं कभी नहीं करती, कोई भी नहीं करेगा, और खासकर रशिया में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करके अपनी लाइफ मुश्किल बनाना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रशिया में रहना उनके लिए आसान होगा, हो सकता है उन्हें अपने घर भी ना जाने दिया जाए। वैसे आपको बता दें कि रूस में 1993 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन हाल के सालों में समलैंगिक नियमों में कुछ बदलाव हुए और इन बदलावों के डर से ही रूस की ये महिला खिलाड़ी डर के साथ है और रूस जाने से वो डर रही। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जब दुनिया के कई देश समलैंगिकता को अपराध नहीं मानते, तो ऐसे में रूस को भी इसको लेकर नियमों में बदलाव करके इसमें छूट दे देनी चाहिए? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।